मैं जिनेंद्र दर्श को स्वागत है आप सभी का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के इस विशेष प्रसारण में। यह पंच कल्याणक मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित धर्म नगरी चिचौली में चरिया शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सत्संग पावन सानिध्य में दिनांक 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक भव्यता पूर्वक संपन्न हुआ। चिचौली नगर की जैन समाज ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटे से नगर में भी इतना बड़ा महोत्सव सा आनंद संपन्न होगा। यह सब प्रभु कृपा एवं गुरु आशीर्वाद से ही संपन्न हो पाया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस विशेष प्रसारण श्रृंखला को, और आज इस तीसरे एपिसोड में देखते हैं जन्म कल्याणक के मनोरम दृश्यों को। गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप के बाद 3 जनवरी को जन्म कल्याणक धूमधाम से मनाया गया। सभी पात्रों ने प्रातः काल पूर्ण भक्ति के साथ अभिषेक एवं पूजा अर्चना की। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वितरागाय नमः, ओम नमो रति भगवते श्रीमते श्री पासना तीर्थंकराय द्वादश गण परिविष्टाय। प्रभु के मुखड़े को हमने देखा, अजब से करुणा छल रहे हैं। प्रभु के मुखड़े को हमने देखा, अजब से करुणा छल रहे हैं। खाते में बोला बाती देना, खाते में बोला बाती देना। पूजन के मध्य शुभ मुहूर्त पर तीर्थंकर बालक के जन्म की घोषणा की जाती है। इस उपलक्ष में वाद्य यंत्रों का मंगल उद्घोष होने लगता है और सभी खुशी से झूमने लगते हैं। सौधर्म इंद्र आदि पात्रों द्वारा तीर्थंकर बालक के जन्म कल्याणक का मंचन किया गया। कौन शत्रु है जो आपको इस तरह ललकारने का दुस्साहस कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा स्वामी, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। ये बात तो आश्चर्य की है कि आज मेरा सिंहासन कंपायमान हो गया है। मैं अपनी अवधि ज्ञान से ज्ञात करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। त्रिलोकी नाथ की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मधु देवी की कोख से आज तीन लोक के नाथ ऋषभदेव का जन्म हो गया है। सभी अपने स्थान पर, जहां से भी कैसे राज की जय हो, जय हो। सौधर्म इंद्र अपनी विद्याओं का उपयोग कर मायावी बालक को प्रकट करते हैं और शची इंद्राणी को आदेश देते हैं कि वे इसे माता के सक्षम रखकर तीर्थंकर बालक को लेकर आएं। हे मायावी, तीर्थंकर के रूप जैसा ही बालक है, इस मायावी बालक को माँ के पास सुला देना और साक्षात बालक तीर्थंकर को अपने पास शीघ्र ही शीघ्र लेकर के आओ। वाह स्वामी वाह, आप मुझे प्रसन्न करने का कोई भी बात नहीं छोड़ते हैं। हर वक्त हर मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। एक बार दर्शन तो करा दो। आपने पहले ही सब कुछ उनको दे दिया, आप क्या देने की जरूरत है? वो तो उनके पास सब कुछ है। आ देखो, देखो इंद्र महाराज, वो सच्चाई है। सुनाकर माया मई बालक को सुनाकर प्रभु जी सुनाई देखो,
धीरे धीरे पतल्या धरती, होले होले पतल्या धरती, प्रभु जी को लाई देखो इंद्राणी, मन में अनेको भाव सजोए, मन में अनेको भाव सजोए, प्रभु जी को लाई देखो इंद्राणी, सधर्म देखो मांग रहे हैं, सधर्म देखो मांग रहे हैं, पर ना देवे देखो इंद्राणी, सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी के बीच ये वृत्तांत बेहद रोचक था। सौधर्म इंद्र के अनेकों बार मांगने पर भी शची इंद्राणी उन्हें तीर्थंकर बालक नहीं देती। हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं। अनेक प्रयास करने के उपरांत सौधर्म इंद्र को शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक दे ही देती हैं। तीर्थंकर बालक को उठाते ही सौधर्म इंद्र भाव विभोर हो जाते हैं और 1008 नेत्र बनाकर बालक को निहारते हैं। इंद्र 1000 नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे, धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बस के सब मिल जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। इंद्र 1000 नेत्र बनाकर, इंद्र 1000 नेत्र प्रभु दर्शन को, और मिले ही परमात्मा, बहिरा तम को छोड़कर निकली अंतर आत्मा, मन वाले तो मंच के उपरांत पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन एवं उन्हें शास्त्र भेंट करने का पुण्य अवसर सौभाग्यशाली गुरु भक्तों को प्राप्त हुआ। अजय सभी लोग विनय हैं और इसके बाद हम चलते हैं गुरु की मंगलिक वाणी सुनने के लिए। हम बिल्कुल तैयार हैं, हाथों को जोड़ें, चले सब जल्दी से जिनवानी भेंट। हाँ भैया आइए, बैतुल वाले बहुत अच्छे हैं, सही बात है, जमीन अच्छी है, आसमान अच्छा है, हम अच्छे हैं तो सारा जहान अच्छा है, अच्छे लोग ही मिलते हैं। महोत्सव में आगे सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्र इंद्राणी जन्माभिषेक हेतु पांडुकशिला की ओर एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा लेकर निकल पड़ते हैं। सैकड़ों भक्तों ने इस शोभा यात्रा को एक विशाल रूप प्रदान किया। मार्गों में भ्रमण कर यात्रा पुनः मंडप पहुंची, जहां अतिथि महानुभावों पुण्यार्जक परिवारों का सम्मान किया गया। ससुर जी का तिलक कर रहे हैं, बहन जी आप आ जाओ, है ना, देखे तीर्थंकर बनने से पहले एक पिछी का मंडल भी इनको देना है। हाँ पहले सही बात है, उनकी जब तो दीक्षा होगी। 2400 भगवान की पुनः पधारे। ओम रीम रम श्रीम अनंत विजय परम पवित्र, ओम रीम रम नमः स्वाहा, ओम रीम रम श्रीम अनंत सुखाय उत्तम सहनानाय, ओम रीम नमः स्वाहा। इन सभी मांगलिक क्रियाओं के बाद तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक प्रारंभ हुआ और सौधर्म इंद्र के साथ सभी इंद्र आदि पात्रों ने इस महा सौभाग्य को प्राप्त किया। सौरभेण परम सिद्धि धारिणाम तीर्थ मारिणाम, द्रवि द्रवि ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र, जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा, जन्माभिषेकम कलशा ढाको दे ढाको दे ढाको पुण्य धारि, कलशा ढाको दे ढाको दे ढाको पुण्य धारि, दर्शन पालो दे हे दर्शन पालो दे पालो दे पालो पुण्य धारी, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का सबने कर ले।
जन्माभिषेक उपरांत पूज्य आचार्य श्री ने भक्तों को मंगल उपदेश दिया। जितने लोग शिखर पर गए हैं वे शून्य होके गए हैं। शून्य की आवश्यकता है, शून्य होके गए हैं, शून्य होके गए। शून्य यानी रिक्त। यदि आपको विद्वान बनना है तो दूसरी जगह से रिक्त होना पड़ेगा। आपको सम्राट बनना है तो दूसरी जगह से रिक्त होना पड़ेगा। आपको साधु बनना है तो दूसरी जगह से रिक्त होना पड़ेगा। आपको योगी बनना है तो दूसरी ओर से रिक्त होना पड़ेगा। रिक्त हुए बिना योगी नहीं बन सकते हो। योगी का जो आनंद है ब्रह्मांड में विश्व में ऐसा कोई आनंद नहीं होता। जो योगी का आनंद उस आनंद के लिए मेरे मित्र कोई इंद्रिय का भोग नहीं होता है। जहां स्पर्श का स्थान नहीं, जहां रस का स्थान नहीं, जहां गंध का स्थान नहीं, जहां घ्राण का स्थान नहीं, जहां स्रोत का स्थान नहीं, जहां चक्षु का स्थान नहीं, वह अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता होता है। उसका नाम समरसी भावयुक्त योगी होता है। सहज दस अतिशय स्थापना। प्रवचन उपरांत पूज्य आचार्य श्री एवं समस्त मुनिगणों द्वारा प्रतिमाओं पर मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। सायंकाल आरती से पूर्व तप कल्याणक के दिन दीक्षा धारण करने वाले दीक्षार्थी श्री पवन भैया जी की बिनौली यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल सभी गुरु भक्तों ने खूब भक्ति की। विविध मार्गों में भ्रमण कर यात्रा पुनः मंडल लौटी, जहां पवन भैया का भव्य स्वागत किया गया। आपकी तालियों के साथ भैया का सम्मान होगा। सभी दोनों हाथ ऊपर करते हुए भैया का सम्मान करेंगे। सभी आगे से लेकर पीछे तक। मन का मयूर नज, मन का मयूर पावन बेला आई रे, नज मन का मयूर पावन बेला आई रे, नज मन का मयूर। जिस माँ का लाल कल लाल विकसित हो जाएगा। सभी दोनों हाथों से तालियां बजाएंगे। माँ कोई माँ ऐसा क्यों नहीं सोचती जो ऐसा माँ सोचती कि भगवान बनेगा। ताली तो बजाना पड़ेगा। और आते हैं जिस बहन ने कलाई पे राखी बांधी हो, उस बहन का भी मन कितना होगा कि मेरा अकेला भाई था आज सारा विश्व का पूज्य बनने वाला है। पूरे विनय बहन के साथ सभी के यथास्थान विराजमान होने के बाद युवतियों ने भक्ति नृत्य प्रस्तुति की। चंड चंड दंड पिंड खंड खंड खंडनम न दंड कम सुपंडितम च गंड घंड गुंडकम न गंड कम न तुंडिलम तु दंड गुंड ताश्रयम प्रणाम मादि तीर्थ मादि नाथ मादि शंकरम। अजय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनम जितेन्द्रियम जिताहवम जितात्मदेव जोषणम अनात्म भाव जित्वरम च जन्म मृत्यु जित्वरम अजय कर्म भूपतिम पराजितम जयाजितम जितम। इस प्रस्तुति के बाद पवन भैया की गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भैया की गोद भराओ ये मंगल बेला आई। ओ भैया की गोद भराओ ये मंगल
बेला आए काज किशमिश लाए भैया के गोद भराए ओए काज किशमिश लाए भैया की गोद भराए ये मंगल मेला आए भैया के गोद भराओ ये पावन घड़िया आए मन भावन घड़िया आए भैया की गोद भराओ ये मंगल बेला आए आई भक्ति भरी रात आदिनाथ जी के साथ मरते भी नी सौगात गाओ झूम के सड़क जित है बलना और रतन जड़ित है दो जामी झूले पारस लाला होते अति विभो पारस प्रभु का दरबार है द्रव्यांजन आइए मामा बुआ बुआ आत्या आत्या यहो आत्या 2,11,000 आत्या नहीं और रुक तो गोद भराई उपरांत सभी भक्तों ने तीर्थंकर बालक को भक्ति के साथ पालना झुलाया अरे झूला झूले ला माता का नंदन अरे झूला झूले ला माता का नंदन रत्नों के पल्ले में झूले माता दोनों नंदन झूला झूले लाल माता का नंदन झूला झूले लाल माता का नंदन चंदन पन्ना रेशम डोरी हे चंदन पन्ना रेशम डोरी रत्नों के पल्ले में झूले माता को दो नंदन झूला झूले लाल माता का नंदन हे झूला झूले लाल माता का नंदन दर्शकों यहां संपन्न हुई यह विशेष प्रस्तुति कल हम फिर हाजिर होंगे अगली कड़ी के साथ जिसमें आप देखेंगे तब कल्याणक के दृश्य तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल जय जिनेंद्र